एक और जहां शहरी गौठान में महिलाएं अलग अलग गतिविधियों को अपनाकर आय के स्रोत का जरिया निर्मित कर रही है, वहीं अब अलग अलग व्यवसाय से महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। महापौर एवं MIC सदस्यों ने महिलाओं के द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों की खरीदी कर महिलाओं का हौसला बढ़ाया। शहरी गौठान में उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। महापौर नीरज पाल ने शहरी गौठान का भ्रमण कर महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट एवं मल्टी एक्टिविटी को देखा और काफी प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं अगरबत्ती बनाने की मशीन को आजमाया और कहा कि यह बेहद कारगर व्यवसाय है। छोटे छोटे कार्यों से बड़ी बड़ी सफलता हासिल होती है। उन्होंने फूले से बनाए जा रहे साबुन, गुलाल और फर्श को पोछा लगाने के लिए झाड़ू, फिनाइल, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बनाए जा रहे अगरबत्ती, किशोरियों एवं महिलाओं के लिए बनाए जा रहे सैनिटरी पैड आदि का निरीक्षण भी किया। इस दौरान निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के साथ कई MIC सदस्य भी मौजूद रहे। देखिए, मल्टी एक्टिविटीज चूँकि महिला स्व सहायता समूह, हर एक महिला स्व सहायता समूह का अलग नाम होता है और एक महिला स्व सहायता समूह में लगभग जो मिनिमम महिलाएं होती हैं वो 10 होती हैं और इनके ऊपर में फिर ALF और CLF जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं जो इनको हैंडल करते हैं, इनको ऑपरेट करने में मदद करती हैं। एक्चुअल में माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय सभी शहरी गौठान पहुँचे थे, इसमें MIC सदस्य भी थे। सभी ने मल्टी एक्टिविटीज का जो कार्य वो देखा, फूलों से साबुन बनाया जा रहा है, फूलों से जो है गुलाल बनाने का काम चल रहा है और इसके साथ ही पोछा लगाने के लिए जो पोछा वो होता है, डंडी होती है जो, वो बनाने का काम कर रहे हैं, फिनाइल बनाने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ही अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं, इसकी मशीन भी लिया हुआ है, सेंट्री पेड बनाने का काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, मछली उत्पादन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो नया कॉन्सेप्ट है वो मुर्गी पालन बनाने का है, तैयार करने का है, उसका शेड निर्माण हो रहा है, फिर मुर्गी पालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्योर ब्लॉक लगाने का भी काम गौठान में होगा और सब्जी उत्पादन भी महिलाएं कर रही हैं। इसलिए मल्टी एक्टिविटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो महिलाएं जो है अलग अलग अपने समूह के रोजगार भी से महिलाओं को मिल रहा है, दूसरा जो है गौठान में उनको एक अवसर मिल रहा है आय का जरिया प्राप्त करने का, अपने आपको जो है अच्छा साबित करने का। इसके अलावा गौठान में यदि और बात किया जाए तो महिला स्व सहायता समूह कैंटीन चला रही हैं, संचालन कर रही हैं, तो इस प्रकार जो गतिविधियां हैं वो उनको रोजगारमुखी जरिया प्रदान कर रही है, आय का साधन बन रही है, ऊपर से महिलाएं जो सशक्त हो रही हैं और अपने आय का स्रोत बढ़ा रही हैं। महापौर एवं MIC सदस्यों ने मछली पालन, सब्जी उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट टैंक, पशुओं के रख रखाव एवं चारा की व्यवस्था, मुर्गी पालन के लिए स्थल एवं गौठान की अन्य गतिविधियों को देखा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने, आगे और भी अच्छे प्रयास करने पर चर्चा की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।